हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है उसकी क्लास 7 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको हम लोग एमसीक्यू से कवर करेंगे। हमारी ये सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए एनसीईआरटी को एमसीक्यू से कवर करवाते हैं, जिससे कि आपके जो एनसीईआरटी वो शॉर्ट में कवर हो जाए और आपके लिए बहुत आसान रहे। यहाँ पर अगर आपको डिटेल में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, डिटेल वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो आप जाके वो भी पढ़ सकते हैं। उसकी भी सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी गई है। और आपको ये सब पता भी होगा कि ये जो एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में से जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आजकल, जितने भी कराए जा रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो री एग्ज़ाम हो, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये समय की डिमांड हो गई है कि हमें एनसीईआरटी को कवर करना ही पड़ेगा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आपको ये सबको ये भी पता होगा, जब भी आंसर की आती है तो उसके जो सही आंसर माने जाते हैं ना, आप कोई सी भी किसी भी सोर्स को ले लो, बड़े से बड़ा सोर्स दिखा दो, लेकिन उसके सही आंसर एनसीईआरटी में से ही माने जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी हमारे सिलेक्शन में, हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हमारा यहाँ पर यही प्रयास है कि हम आपको एनसीईआरटी शॉर्ट में एमसीक्यू के जरिए जल्द से जल्द कवर करवा दें और आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप ना करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एमसीक्यू बनाए गए हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 सेवन क्लास का ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटिनेंटल मास एंड ओशन क्रस्ट। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज महाद्वीपीय, यहाँ पे सहमति नहीं है, सहति आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे महाद्वीपीय सहति और महासागर पर्पटी, यहाँ पर ये पर्पटी आएगा, ठीक है, पर्पटी में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या वो सियाल है, सीमा है, सीमा सियाल, रीमा रियाल, या फिर सीमा और रियाल, ठीक है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरा अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, तो आप इसकी जाके वीडियो भी देख सकते हैं, अवेलेबल है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में। चलिए, तो इसका सही आंसर है सियाल और सीमा। तो सियाल को बोलें तो वो है सीएल और ये है आपका सीमे। अब सीएल का मतलब क्या हो गया, ये है सिलिका और साथ में एल्यूमिनियम, और सीमा है आपकी सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ये बोल रहा है कि जब देखो, आपको पता होगा कि हमारी जो धरती है वहाँ पर आपको कंटिनेंटल क्रस्ट पाया जाता है, साथ में आपका ओशनिक क्रस्ट भी पाई जाती है, मतलब कि महाद्वीप सहति भी और समुद्री सतह भी। तो यहाँ पर बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो समुद्री सतह होती है वहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, और जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखो, ये आपकी है कंटिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पर कि आप लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उस ज़मीन को बोला है कंटिनेंटल क्रस्ट। और जो समुद्र में जो समुद्र के नीचे की जो ज़मीन है उसको बोला है समुद्री सतह। अब देखो, अगर आपको आपने कभी तालाब देखा होगा, तो तालाब में जो पानी भरा है वो भी तो कहीं ना कहीं किसी बेस पे भरा होगा। तो ऐसे ही हमारे समुद्र में जो पानी भरा रहता है तो वो भी किसी ना किसी बेस पर होल्ड कर रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट या फिर महासागर पर्पटी। तो ये जो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, वो बनी होती है आपकी सियाल की, मतलब कि सिलिका और एल्यूमिनियम की, उन खनिजों की। और जबकि ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी बनी होती है सीमा, मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि सियाल और सीमा। अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक फ्लोर। यहाँ पूछा है कि महाद्वीपीय सहती और समुद्री सतह की कितनी गहराई होती है, क्या वो 35 और 3 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, या फिर 35 किलोमीटर, या फिर 3 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है आपका 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अगर इसको डायग्रामेटिक वे में देखें तो ये देखो, ये हमारी धरती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखा, बड़े बड़े पठार होते हैं, आपकी शैले होती हैं, रॉक होता है, पठार होता है ना। और ये देखो, ये आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है, मतलब कि पर्पटी, ये सारे पर्पटी में ही आते हैं। और यहाँ पे आपके ओशन दिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ एक मिनट, ये आपके ओशन दिखेंगे, ठीक है,
ठीक है, ये आपका ओशंस हो गए, थोड़ा और इस साइड में ओशन हो गए, ऊपर की साइड हो गए। तो यहाँ पे बस यही पूछी है कि इन लोगों की गहराई कितनी है। तो अगर हम लोग यहाँ से नापें तो कंटिनेंटल क्रस्ट या फिर महाद्वीपीय सतह की गहराई देखें तो वो 35 किलोमीटर है, और अगर ओशियन की गहराई देखें तो वो है आपकी 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर उसको दूसरे मतलब ओशनिक क्रस्ट का मतलब हो गया समुद्री सतह। ठीक है, अगर आपको दूसरे डायग्राम से इससे समझ नहीं आया है तो दूसरे डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये मानिए ये आपका क्या है, ये आपका हो गया एक कंटिनेंटल क्रस्ट है ये आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र बह रहा है यहाँ पर, और यहाँ से आपका मेंटल स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है, ये आपका मेंटल स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र हो गया। अब यहाँ पर जो है इसमें गहराई और इसकी गहराई की बात करते हैं, यह पहाड़ पठार जो भी है, कोई भी शहल है, महाद्वीपीय सतह हो गया, ये आपका ओशन हो गया, मतलब कि समुंदर हो गया। तो समुंदर के नीचे की जो जितनी भी मोटी सी हम परत बोलेंगे, समुद्री सतह बोलेंगे, वो आपकी 5 किलोमीटर की होगी, और जिसको हम ओशन फ्लोर बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पर कंटिनेंटल मासेस मतलब कि महाद्वीपीय सतह की मोटाई देखेंगे, गहराई देखेंगे, तो वो आपकी 35 किलोमीटर होती है, और यहाँ से आपका मेंटल स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब जो ये दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती हैं, वो आपको क्रस्ट में पाई जाएंगी, मतलब कि परपटी में पाई जाएंगी। तो यहाँ पे यही पूछा है कितनी गहराई है कि, तो वो है आपकी 35 और 5 किलोमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है मेंटल एक्सटेंट अप टू द डेप्थ ऑफ किलोमीटर, कि मेंटल परत की कितनी गहराई होती है। ठीक है, मेंटल आ देखो यहाँ पे हम लोग पहले आपको बता दें कि जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी 3 परत होती है। ठीक है, उसकी कितनी परत होती है, वो उसकी 3 परत होती है, जिसमें कि क्रस्ट आता है मतलब कि परपटी आता है, उसके बाद आपका मेंटल आता है, फिर आपका आता है क्रस्ट, तो ये कोर आता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्रस्ट, ये है आपका मेंटल, और ये है आपका कोर। मतलब क्रस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे परपटी हो गया, मेंटल हो गया, और कोर का मतलब हो गया क्रोड। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पे मेंटल जो है, ठीक है, मेंटल की गहराई पूछी है कितने किलोमीटर में होती है, ये चीज़ पूछी है कितने किलोमीटर होती है। तो उसका सही आंसर है 2900 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चलिए इसका आंसर यही है, और सबसे मोटा यही होता है। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मेंटल की जो गहराई है वो डेप्थ है 2900 किलोमीटर है, और ये जो मेंटल है हमारी पृथ्वी का जो सेकंड परत है वो सबसे मोटी होती है, और ये जो हमारा परपटी है, क्रस्ट है, उसके नीचे होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखो ये तो हमारी बात हुई क्वेश्चन की, हम अपने चैनल के बारे में बता दें कि हमारे चैनल पर ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये है आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़, जहाँ पर कि हम लोग एनसीईआरटी एमसीक्यू से कवर करवाते हैं, और अगर आपको एनसीईआरटी को ही में कवर करना है तो वो भी आपको उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और सेकंड सीरीज़ है हमारी आपकी ट्रिक्स की, ठीक है, जहाँ पर कि ट्रिक्स हम लोग 5 एमसीक्यू से कवर करवाते हैं आपके लिए, बहुत ही अनोखे तरीके से करवाते हैं। तीसरी सीरीज़ है हमारी जीएस की, जहाँ पर कि हम लोग जीएस के 8 एमसीक्यू रेगुलरली आपके लिए लेकर आते हैं, और 10 एमसीक्यूज़ आपको पॉलिटी मतलब कि राज व्यवस्था के मिल जाएंगे, और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको इनको पढ़ने के बाद किसी भी बुक या फिर इंटरनेट को छाटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको डिटेल में पूरा इसमें करवा देते हैं। और आजकल राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुके हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, असेंशियल हो जाता है कि आप इनको भी फॉलो करो। और हमारी फोर्थ सीरीज़ है आपकी करंट अफेयर की, करंट अफेयर मतलब कि आपके मंथली मैगजीन करवाते हैं यहाँ पर, और आपकी जो मंथ में पूरे महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उनको हम आपको कंपाइल करके एक ही वीडियो में कवर करवा देते हैं। जैसे कि आपकी मैगजीन्स आती है मंथली, वैसे ही आपके लिए हमारे चैनल पर मंथली मैगजीन लाई जाती है। और हमारी पांचवी सीरीज़ है मेंस के लिए, जहां जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो भी हम आपको कवर करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। और रेगुलरली हम लोग आपके लिए अपने चैनल की कम्युनिटी में क्वेश्चंस डालते हैं, चाहे वो क्वेश्चन जीएस के हों, मैथ्स के हों, इंग्लिश के हों, वो आपके लिए डालते हैं, जिसके आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में गलत करके ना आए। तो चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए, देखिए, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। जो बच्चे
हिंदी मीडियम चाहिए आपको वही मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम चाहिए तो वही मिल जाएगा, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सेंट्रल कोर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि केंद्रीय क्रॉड में तापमान एवं दाब की क्या स्थिति होती है। अब देखो मैंने आपको क्रॉड बताया था, बाकी कोर कहाँ पर है कि हमारी पृथ्वी की तीन परत होती हैं, एक आपका परपटी मतलब कि क्रस्ट, उसके बाद है आपका मेंटल, ठीक है, फिर है आपका सबसे बीच में जो होता है वो है आपका कोर, मतलब कि कोर बोले तो क्रोड, ठीक है। तो अब यहीं पर बोला है जो कोर के बारे में बात करें हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर मतलब कि वहाँ पे जो तापमान और दाब वो किस स्थिति क्या रहती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और लो प्रेशर या लो टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, मतलब कि यहाँ पर जो तापमान है, ठीक है, यहाँ पर जो तापमान है वो आपका हाई रहेगा, साथ में आपका प्रेशर भी हाई रहेगा। अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, याद करने का तरीका क्या है। देखो सबसे आंतरिक है, ये आंतरिक भाग है हमारे पृथ्वी का, तो यहाँ पर उसके ऊपर आपको मेंटल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा मेंटल मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा आपको क्रस्ट मिलेगा मतलब कि परपटी मिलेगा। इसको याद करने का तरीका ये है कि देखो जो मेंटल है आपका 2900 किलोमीटर का है, ठीक है, ये भी इसमें क्या होता है एस्थेनोस्फेयर होता है, एक सेमी लिक्विड आपका एक मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसका भार हो गया, साथ में आपका क्रस्ट के ऊपर आपके क्या होते हैं पहाड़ हो गया, पठार हो गए, सॉइल हो गई, नदियाँ होंगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ओशियंस हो गए, तो उसका भार लगा एस्थेनोस्फेयर में लगा, उसका भार लगा, तो उसके भार से क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। ये बस आपको याद करने के लिए कि आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना, कि इसीलिए सबसे अंदर का जो आंतरिक पार्ट है कोर है, तो यहाँ पे आपका दाब बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये आपको याद करने का तरीका है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि केंद्रीय क्रॉड में तापमान हाई होता है और दाब भी हमारा हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़, यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या को पूछा है यहाँ पर। पृथ्वी की त्रिज्या का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी पृथ्वी है उसका रेडियस कितना होता है। अब रेडियस पूछा है, हमारी पृथ्वी गोल आकार की है, लेकिन यह बस हम लोग अपने आसानी के लिए मानते हैं, वैसे जो हमारी पृथ्वी की जो आकार है वो हमारी जियर्ड शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या पूछी है, तो वो है आपकी 6371 किलोमीटर, ठीक है, 6371 किलोमीटर की जो रेडियस है। अब देखो यहाँ पे तो रेडियस है, इसका डायमीटर करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। अब सोचते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कितना बड़ा गोला है, ठीक है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना तो केवल रेडियस है, ठीक है। एग्जाम में आए तो आपको ये लिखना है, अगर डायमीटर आए, अगर कोई डायमीटर पूछता है तो आप इसको बस मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपका डायमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायमीटर भी देख लिया और साथ में हमने रेडियस भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ हैज़ हाईएस्ट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की किस परत का आयतन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। यहाँ पे परत पूछी है, मतलब वही है कि क्रस्ट मतलब कि परपटी, मेंटल हो गया और आपका कोर हो गया, मतलब कि क्रोड के बारे में बात करी है। आयतन पूछा है, यहाँ पे पूछा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम इन सभी परतों में से किसका होता है, क्या वो परपटी का होता है, क्या वो मेंटल का होता है, क्रोड का होता है या फिर लिथोस्फेयर का होता है। तो इसका सही आंसर है कि सबसे अधिक पूछा है तो वो आंसर है मेंटल, ठीक है, सबसे अधिक पूछा है तो मेंटल हो गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके बाद आपका क्रस्ट आता है, फिर आपका आता है मेंटल और फिर आपका आता है कोर, ठीक है। ये देखो यहीं से आपको देखने से पता पड़ रहा होगा कि जो हमारा क्रस्ट है वो सबसे पतला है और सबसे बाहरी में है, ठीक है, सबसे पतला होगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आपने अंडा देखा होगा, उबला हुआ अंडा देखा है, ठीक है, तो वो अंडा जो होता है उबला हुआ उस पर जो छिलका होता है, ठीक है, उस पर जो छिलका हुआ वो हमने क्या माना, बस ये याद करने के लिए है कि उसको हमने मान लिया कि वो हमारा क्रस्ट है, वो परपटी है। उसके बाद उसका सफ़ेद भाग हुआ उसको हमने माना मेंटल है। अब देखो अंडे में सफ़ेद भाग होता है वो कितना सारा होता है, ठीक है ना, उबले हुए अंडे में, और जो बीच में जो पीला पार्ट होता है वो हमने मान लिया उसको कोर मतलब कि क्रोड मान लिया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से डायग्राम से, इस पृथ्वी के डायग्राम से समझ में नहीं आया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अंडे के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। उबला हुआ अंडा हम लोगों को अपने दिमाग में सोचना है,
तो वो जो अंडे का जो पतला सा छिलका होता है जब उसको उतारते हैं उबालते हैं तो उसको हम मान लेते हैं क्रस्ट। तो देखो वो कितना ज़्यादा पतला होता है अंडे के रूप में अगर देखें तो, कंपैरिजन बोलें ठीक है, क्रस्ट तो वो आपका होता है 1%। पूरी पृथ्वी का जो आयतन लेंगे तो उसमें से उसका हो गया 1%। ठीक है, अब देखो अंडे का जो सफ़ेद भाग है, ठीक है, अंडे का सफ़ेद भाग है वो कितना परसेंटेज होगा। देखो सिंपल सी बात है कि अंडे में सफ़ेद भाग भी कितना सारा होता है ना, तो पूरे पूरी पृथ्वी का आयतन का देखेंगे तो 85% 84% हो गया। ठीक है, और जो कोर मतलब कि जो क्रोड होता है हमारा वो देखो, लेकिन वो क्रस्ट जो होती है जो हमारे अंडे के जो छिलका होता है उससे तो बहुत सारा होता है अगर उसके कंपैरिजन में करें, और लेकिन सफ़ेद से कम होता है, तो वो आपका हो गया 15%। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है, मेंटल। तो मैं आशा करती हूँ आपको अंडे के एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उबला हुआ अंडे के एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से समझ नहीं आया तो कुछ नहीं होता, हमने अंडे का एग्जांपल ले लिया। तो जब भी आपको पृथ्वी समझनी हो तो ध्यान रखना, जब भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो भी क्रस्ट आपको याद नहीं हो रही है, कोई परत याद नहीं हो रही, तो अंडे को सोचो, उबले हुए अंडे को सोचो, क्रस्ट सोचो कि अरे हाँ ये तो क्रस्ट होगी, हमारे उबले हुए अंडे का छिलका हो गया, वाइट वाला पार्ट हमारा मेंटल हो गया, और जो पीला वाला पार्ट है वो हमारा कोर हो गया। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये याद कर लेना, आपको मैंने सारे के सारे परसेंटेज भी यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द अर्थ, कि निम्नलिखित में से किस खनिज से पृथ्वी का क्रोड बना है। अब देखो यहाँ पर हमने पीछे क्या पढ़ लिया था कि जो हमारा कंटिनेंटल मास था, ठीक है, जो हमारा कंटिनेंटल मास था, और मतलब क्योंकि महाद्वीपीय सहती था, और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ओशनिक ओशन वाला जो पार्ट था, जो समुद्री सतह थी, वो बनी थी कंटिनेंटल क्रस्ट में था सियाल से, और ओशनिक क्रस्ट बनी थी हमारी सीमा से। अब ये दोनों ही पार्ट थे क्रस्ट के, ठीक है, क्रस्ट मतलब कि पर्पटी के दोनों पार्ट थे। अब यहाँ पे पूछा है कि जो पृथ्वी में जो अंदरूनी पार्ट, देखो अंडे का जो पीले वाले भाग की बात कर रहे हैं ये लोग, कि कोर की बात कर रहे हैं, क्रोड की बात कर रहे हैं, कि वो कौन से खनिजों से बना होता है। तो वो पूछ रहे हैं वो कौन से खनिजों से बना होता है, वो बना होता है नीफे से। नीफे का मतलब हो गया आपका निकल और आयरन से, मतलब कि लोहा, ठीक है, निकल और आयरन से ये बना होता है। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें सीख ली कि जो हमारा, ठीक है, और ये आपको मैंने बता दिया कि जो अंडे का जो पीला वाला पार्ट है सबसे अंदर होता है, तो हमारा क्रोड बोल लो या फिर कोर बोल लो, वो भी हमारा अंदर वाला सबसे अंदरूनिक आंतरिक पार्ट होता है ये। ठीक है, तो किससे बना है, निकल और सीमे से बना है, निकल और आयरन से बना है, नीफे से बना है, कंटिनेंटल देखिए महाद्वीपीय सहती वो सियाल से बना है, ओशनिक क्रस्ट हमारी सीमा से बनी है। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही में बार बार पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने आपको अंडे का एग्जाम्पल लेके समझा दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, निम्नलिखित में से कौन सी शैली को प्राथमिक शैल कहा जाता है, क्या वो अपसादी शैल, सेडिमेंट्री शैल है, इग्नेशियस आग्नेय है, कायंत्रित शैल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही एग्जाम्पल है इग्नेशियस रॉक, मतलब कि आग्नेय शैल। ठीक है, अब ये इसको प्राइमरी रॉक, प्राथमिक शैल, मतलब कि देखो देखने से ही पता पड़ रहा है प्राइमरी शैल की, इसके बाद ही बाकी शैलों का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन में से इंटरप्रिटेशन निकाल लिया कि यहाँ पे प्राइमरी शैल प्राथमिक शैल बोला है, मतलब कि यहाँ से बाकी शैलों का निर्माण हुआ होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि आग्नेय शैल में से ही सारी शैलों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है ये देखो, अब इग्नेशियस शैल होती क्या है, इग्नेशियस शैल होती है कि हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नेशियस रॉक, इग्नेशियस मतलब कि आग्नेय शैल। देखो इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि ये हमारा है मेंटल, ठीक है, ये हो गया मेंटल, और जो मेंटल में से ही हमेशा आपका मैग्मा निकलता है। ठीक है, मेंटल के ऊपर क्या आता है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट आता है, मतलब कि परपटी आती है आपकी, और इन क्रस्ट के ऊपर ही यहाँ पे पहाड़ बने होते हैं, यहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है, कंटिनेंट्स होते हैं, पठार, मतलब जितना भी सामान है वो सारा आपका क्रस्ट पे ही मिलता है, ओशियंस, रिवर्स, ये सारे। अब क्या हुआ है, ये इसी मेंटल में से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से मैग्मा, ठीक है, जो कि आपको पता होगा वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी में से क्या निकलता है, लावा निकलता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक ज्वालामुखी फट गया, अब ज्वालामुखी फटा, अब ये ज्वालामुखी बाहर निकल गया, सॉरी ये लावा बाहर निकल गया। अब लावे से क्या हुआ कि यहाँ पे वो बहने लग गया, बहने लग गया, बहने लग गया, अब वो हवा से कांटेक्ट में आया, हवा से कांटेक्ट में आया, क्या फिर ये जमने लग गया, सॉलिड बन गया एकदम, ठीक है, ठीक है, ठंडा ठंडा हो गया, हवा में कांटेक्ट में आया, ठंडा होने लग गया, तो इसने क्या बना लिया, ठंडा होकर इसने बनाया आपका इग्नेशियस, या फिर हम बोले तो आग्नेय शैल बना ली।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो हमारी आग्नेय शैल है वो कहाँ से बनी, लावा से बनी। अब समय के साथ साथ क्या हुआ कि इनमें भी आपका इरोजन होने लग गया, वेदरिंग होने लग गई, ठीक है। इरोजन होने लग गया, वेदरिंग होने की, टूटने फूटने लग गए ये सारे के सारे, ऐसे ऐसे करके टूटने लग गए, दूर दूर चले गए, इनके टुकड़े कभी मोटे मोटे टुकड़े ऐसे करने लग गए, समय के साथ साथ हवाओं से बारिश से ऐसे करके करने लग गए, ये दूर चले गए। अब क्या हुआ, ये वाले जो छोटे छोटे टुकड़े थे, अब ये भी समय के साथ टेम्परेचर में, प्रेशर में, दबाव से इन लोगों ने क्या करा, एक सॉलिड, एकदम सॉलिड करके एक पत्थर बना लिया, एक रॉक बना ली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेयर बना ली, साथ में लेयर्स के साथ बना लिया कि एक लेयर, उसके बाद आपकी दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ये पांचवी लेयर, छठी लेयर, ऐसे करते करते इन लोगों ने लेयर बना ली। क्योंकि यहाँ पे सामान आया इग्नियस रॉक का, फिर एक लेयर वो जम गया, फिर दूसरा सामान आया, ठीक है, एक लेयर में यहाँ पे जम गया, फिर और मिट्टी आई, फिर और जम गई, फिर और मिट्टी आई, फिर जम गई, तो लेयर्स में जम गई यहाँ पर, तो लेयर्स में जम गई, तो इसी लेयर वाले को उसने क्या बोला, सेडिमेंट्री रॉक बोला, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवसादी शैल। अब क्या हुआ, समय के साथ देखो इसी से हुआ ना, इग्नियस रॉक से ही हमारी सेडिमेंट्री शैल बन गई, सिंपल बात है, प्राइमरी रॉक हो गया। अब इसी से क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ कि इस रॉक में जो सेडिमेंट्री रॉक है, अब सादी शैल है, नीचे से देखो ये ऊपर है तो क्रस्ट में, परपटी में ही है, और नीचे से आपकी हीट भी आ रही है, ठीक है, नीचे से आपकी हीट आ रही है, ठीक है, नीचे से हीट आ रही है और ऊपर से आपका प्रेशर आ रहा है, तो इससे क्या हुआ, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कि कायंत्रित शैल में चेंज हो गई। अब इसको याद कैसे करेंगे, कायंत्रित, देखो इसकी काया बदल गई, आप ऐसे याद कर सकते हो, शब्दों का यूज़ करके ऐसे भी याद किया जा सकता है कि इसकी काया बदल गई, मेटामॉर्फिक में ये बदल गई। अब ये मेटामॉर्फिक आपकी इंग्लिश में चेंज हो जाएगी, सेडिमेंट्री में चेंज हो जाएगी, जिसको पूरा हम बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है, या फिर हम बोलें तो शैल चक्र बोलते हैं हम इसको, ठीक है, शैल चक्र बोलना। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो अच्छे से समझनी है तो जाके हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा का पूरा जितना भी प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, ये हमने समझा कि यहाँ पर प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक होती है, वो क्यों होती है मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसाल्ट इज रिलेटेड टू, बसाल्ट का संबंध किससे है, क्या वो इंट्रूसिव रॉक है, एक्सट्रूसिव रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वो है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव हो या फिर इंट्रूसिव है, ये दोनों ही आपकी इग्नियस रॉक होती है। अब देखो इग्नियस हो गया, मतलब कि आपकी आग्नेय शैल हो गई। अब इन आग्नेय शैलों को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है, एक आपकी हो गई इंट्रूसिव रॉक और एक है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक वो वाली रॉक हो गई, या फिर बहिर्वेदी रॉक बोले, जो कि लावा से आके बाहर जम गई थी, और इंट्रूसिव रॉक या फिर बहिर्वेदी रॉक वो है जिसमें कि उनका जो अंतर्भेदी रॉक वो है जिसमें कि मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं क्रस्ट के अंदर ही जाके जम गया है, ठीक है, क्रस्ट में अंदर जाके जम गया है, बाहर वो नहीं निकल पाया है, तो ये होगी हमारी अंतर्भेदीय शैल इंट्रूसिव रॉक, और ये है हमारी एक्सट्रूसिव रॉक। तो यहाँ पर जो बसाल्ट है वो एग्जांपल है आपका एक्सट्रूसिव, मतलब कि बहिर्वेदीय शैल का, और जो आपका ग्रेनाइट होता है, ठीक है, जो ग्रेनाइट है वो आपका एग्जाम्पल होता है इंट्रूसिव रॉक, मतलब कि अंतर्भेदीय शैल का। और अगर हम एक्सट्रूसिव रॉक में बसाल्ट का एग्जाम्पल हमारे इंडिया में देखें ना, तो जो हमारा भारत है उसका जो डक्कन पठार है वो भी बसाल्ट का ही बना हुआ है। तो इससे हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि जो हमारा भारत था, हमारा जो इंडिया है, उसका जो डक्कन या फिर डक्कन पठार है, वो कभी ना कभी वहाँ पे ज्वालामुखी रहे होंगे, कभी ना कभी ज्वालामुखी फटे होंगे, उसमें से लावा निकला होगा, वो जमा होगा, उसकी वजह से क्या बन गया, इंट्रूसिव रॉक्स बन गई, मतलब कि इग्नियस आग्नेय शैल बन गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फॉसिल्स आर फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। अब देखो जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म जैसे कि पेट्रोल बन गया, नेचुरल गैसेस बन गई, वो सारी की सारी जो पूछा गया है कि कौन सी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, क्या इग्नियस शैल है, क्या अवसादी शैल है, कायंत्रित शैल है, या इनमें से सारी है, तो उसका सही आंसर है सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री कैसे है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो प्राइमरी शैल रॉक थी वो थी आपकी इग्नियस रॉक, वहीं से टूट टूट कर जो इग्नियस रॉक हमारी बनी थी उससे हमारी बनी सेडिमेंट्री शैल, सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब उसमें क्या हुआ कि अब ये रॉक बन गई, ये चिपक के एक मोटा सा पत्थर बन गई, बहुत बड़ा पूरा एक सरफेस बना दिया, वहाँ पे लोग रहने लग गए, जीव जंतु रहने लग गए, ठीक है,
पेड़ पौधे रहने लग गए। अब समय के साथ ये सारे मर गए। मरने के बाद क्या हुआ, ये और टूटी, ठीक है, ये और टूट गई, और पत्थर आए और चीज़ें आई, तो इन लोगों को दबा लिया गया, ठीक है। तो एक लेयर हमारी ये बन गई। अब क्या हुआ, अब दोबारा से यहाँ पर जीव जंतु आए, ठीक है, पेड़ पौधे आए, ठीक है। अब वो समय के साथ ये सारे मर गए। अब क्या हुआ, अब दोबारा से ये वाली जो रॉक है हमारी, इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय रॉक है, वो टूटी। टूटने के बाद क्या हुआ, इनको दोबारा दबा लिया, तो एक लेयर और बन गई। तो ऐसे करते 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 यहाँ पर लेयर बाय लेयर ये वाली रॉक हमारी बन गई, ये शैल बन गई। और इसी के अंदर ये जो लोग दबे हैं, ये जंतु दबे हैं, पेड़ पौधे दबे हैं, ये फॉसिल्स मतलब कि जीवाश्म इनका बन गया। तो इसका सही आंसर हमारा आ गया सेडिमेंटरी, मतलब कि अवसादी शैल हो गया, जिसमें कि देखो इसमें हमने दो चीज़ें समझी कि सेडिमेंटरी रॉक में आपको फॉसिल्स पाए जाते हैं, साथ में ये आपकी लेयर बाय लेयर मतलब कि परत दर परत, ठीक है, परत दर परत वाली ये हमारी रॉक होती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। तो सही आंसर है आपका सेडिमेंट्री रॉक। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको और कहीं नहीं करवाए जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाए, लेकिन हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और अगर आपको इससे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो हमारी सीरीज़ में जाइए, एनसीईआरटी की डिटेल वाली सीरीज़ में जाइए, वहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब पूछा है कि इनमें से कौन सी चट्टान कायंत्रित शैल में परिवर्तित होती है, क्या वो इग्नियस शैल है, अवसादी शैल है, कायंत्रित शैल है, या सारी की सारी है। तो इसका सही आंसर है सारी की सारी है, बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी होती हैं। ऐसा नहीं केवल एक ही रॉक होगी मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगी, ना, सारी की सारी होंगी, सारी, चाहे वो आग्नेय हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो, सभी की सभी शैल आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है। और उसका प्रोसेस होता है रॉक साइकिल। ये जो रॉक साइकिल है, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दे रखा है, तो आप चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप जाके वीडियो में इसको देख लेना। चलिए, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सैंडस्टोन इज एग्जांपल ऑफ, कि बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, यहाँ पे बलुआ पत्थर पड़ा है। अब देखो, बलुआ पत्थर वही बलुआ पत्थर है जिसका कि दिल्ली में लाल किला है, ठीक है, रेड सैंडस्टोन का यहाँ पर हो गया। तो किसका एग्जांपल है, क्या वो आग्नेय शैल का है, क्या वो सेडिमेंट्री अवसादी शैल का है, क्या वो मेटामॉर्फिक कायंत्रित शैल का है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो उसका सही एग्जांपल है सेडिमेंट्री, मतलब कि अवसादी शैल। अब अवसादी शैल या फिर सेडिमेंट्री रॉक क्या है, ये वही है जिसमें कि जीवाश्म पाए जाते हैं, जो कि परत दर परत बनी होती है, ठीक है, ये हो गया। तो एग्जांपल क्या है, अब जब भी आपसे कोई पूछे कि दिल्ली में लाल किला है, तो आप पहले बताओगे कि वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। साथ में आपको एक और उसको नॉलेज देना, ये मुझे तो पता है कि रेड स्टोन सैंडस्टोन से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है, और साथ में मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ये अवसादी शैल से बना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें पता पड़ गई कि लाल किला बना हुआ है हमारे रेड सैंडस्टोन है, साथ में वो अवसादी शैल से बना हुआ है, अवसादी शैल परत होती है और इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्लेट एंड मार्बल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, कि स्लेट और संगमरमर किसके उदाहरण है। अब देखो, संगमरमर का क्या बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर का, सफ़ेद संगमरमर का ताजमहल बना हुआ है, जो कि आगरा में है, यूपी में है, ठीक है। वो किसका उदाहरण है, क्या वो इग्नियस मतलब कि आग्नेय शैल का है, सेडिमेंट्री रॉक का है, मेटामॉर्फिक रॉक का है, या फिर इनमें से सभी का है। तो इसका सही आंसर है आपका मेटामॉर्फिक रॉक का है। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब हो गया आपका कायंत्रित शैल का है, संगमरमर। अब ये संगमरमर पहले क्या था, देखो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब ये हो गया ना कि आपको प्रेशर पड़ा उस चट्टान को, प्रेशर पड़ा कहीं से टेम्परेचर पड़ा, उनकी अलग अलग परिस्थितियों में जाके वो दूसरी रॉक में चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले कोई और रॉक होगी, पहले कोई और शैल होगी, तो वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी लाइमस्टोन, ठीक है। जब लाइमस्टोन वाली जो आपकी रॉक है, या फिर अगर हम हिंदी में बोलें तो चूना पत्थर, चूने पत्थर को अगर हम अलग कंडीशन में, अलग सर्कमस्टेंसेस, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर उसमें रखें, तो वो चेंज बताती है आपकी मार्बल में, ठीक है। मार्बल में मतलब कि संगमरमर में हो जाती है, संगमरमर में चेंज हो जाती है। तो लाइमस्टोन चेंज होती है मार्बल में, तो ठीक है ना, लाइमस्टोन चेंज होगी आपकी मार्बल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा,
की हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है और ताजमहल हमारा संगमरमर से बना है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। और मार्बल बनने से पहले वो क्या था, वो था लाइमस्टोन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाइमस्टोन को चेंज किस चीज़ में होता है, क्या वो मार्बल में होता है, क्या वो स्लेट में होता है, क्वार्ट्स में होता है, किस में होता है। तो लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में होता है चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, द्रवित मैग्मा से बनी शेल को क्या कहते हैं। देखो आपको मैंने पहले समझा दिया यहाँ पर कि जो मोल्टन मैग्मा से, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो यहाँ से मैग्मा निकल रहा है ना, वो बाहर गया, लावा के रूप में गया, ठंडा हुआ, तो ठंडा को उसने क्या बनाया, उसने बनाया आपका इग्नियस, मतलब कि आग्नेय शैल। तो यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आग्नेय शैल को अगर आप याद करना चाहें तो उसको आग से याद कर सकते हैं, ठीक है, आग शब्द से याद कर सकते हैं कि आग है मतलब कि गर्म गर्म है, मैग्मा है, लावा है, तो मतलब वो आग्नेय शैल हो गई। तो ठीक है, द्रवित मैग्मा पूछा है, कौन सी शैल बनाता है, बनाता है हमारी इग्नियस रॉक। चलिए अब है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। ये देखो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, अंडे के पीले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अंडे का पीला पार्ट उसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रोड, सही है, इसको हम बोलते हैं क्रोड, मतलब कि कोर। उसके ऊपर जो होता है वो होता है हमारा मेंटल, मतलब कि अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट, और उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, मतलब कि परपटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर द एग्जांपल्स ऑफ, क्या पूछा है कि सोना पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं, क्या वो रॉक के उदाहरण है, क्या सोना हमारा रॉक है, शैल है, क्या वो जीवाश्म है या वो खनिज है। तो इसका सही एग्जांपल है हमारा खनिज, कि जो गोल्ड पेट्रोलियम कोल ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके किसके उदाहरण है, मिनरल्स के एग्जांपल है। ये सारा का जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, देखिए सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी में है। तो ये क्या है, गोल्ड पेट्रोलियम और कोयला हमारा खनिज है। अब ये खनिज कैसे, देखो जितने भी रॉक्स या फिर शैल होते हैं वो अलग अलग खनिजों से बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग खनिजों का, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई। अब इन सबको हम लोग ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ज़्यादा हम लोग उद्योगों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिसिन में, औषधि में भी यूज़ कर लेते हैं और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे रॉक्स होते हैं, जो भी हमारे शैल्स हैं, वो सारे के सारे इनमें मिनरल्स होते हैं, और इन मिनरल्स को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, अपनी जीवन यापन करने में यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पर पूछा है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, सबसे पतली परत। अब देखो मैं नहीं बताऊंगी आपको, सोचो, खुद सोचो, अंडे को सोचो, अंडे सबसे पतला परत क्या होता है, वो होता है हमारा अंडे का छिलका, उबले अंडे का छिलका। तो छिलका क्या मैंने आपको बताया, क्या सोचना है, वो आपको सोचना है क्रस्ट। तो इसका सही एग्जांपल क्या, आंसर क्या हुआ, क्रस्ट की परपटी, ठीक है। अंडे से देखो, अंडे से आपको मैंने बताया तो कितना साइंस आपको याद हो रहा है, कितना आप सही आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पतली परत पूछा है, थिनेस्ट लेयर पूछा है, तो वो है आपकी परपटी। अगर सबसे मोटी लेयर पूछा जाता तो वो आपकी होती है मेंटल, ठीक है, ठीक है ना, तो वो होती है आपकी मेंटल। सबसे पतली होगी हमारी क्रस्ट होगी, सबसे मोटी हमारी होती है मेंटल। तो यहाँ पर सबसे पतली या फिर थिनेस्ट पूछा है, तो ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई क्रस्ट। अब ये कैसा है, बाय द वॉल्यूम, अगर हम लोग किससे देखें, अगर पृथ्वी के वॉल्यूम के आयतन से देखें तो। चलिए वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो क्रस्ट है अगर वॉल्यूम से देखें तो हमारी क्रस्ट 1% है, मेंटल आपका 84% है, और क्रस्ट कोर हमारा 15% है, बाय द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। चलिए अब है आपका, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून, 5 अप्रैल, 5 मार्च, 15 जून, कब वो मनाया जाता है आपका 5 जून को। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। ये बस इतना ही था इसके अंदर कि 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अब है, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है। अब देखो यहाँ पर पूछा है सबसे गहरी खान, सबसे है ना कि जहाँ पर वो आपकी कहाँ पर स्थित है, साउथ अफ्रीका में है, ब्राज़ील में है, ठीक है, तंजानिया में है, ईरान में है, तो वो आपकी है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारा पूरा अर्थ है, ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, और ये हमारा हो गया मेंटल, उसके बाद हमारा हो गया कोर। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंटिनेंटल जो मास होता है
है ना, कंटेंडर मार्स होता है, उसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसमें ओशनिक क्रस्ट में जाएंगे, ठीक है, ओशन वाले में जाएंगे, समुद्र सतह में जाएंगे, तो वो आपकी होगी 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखो 35 किलोमीटर है, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि हम लोग 35 किलोमीटर भी पूरा का पूरा, 35 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा है कि 35 किलोमीटर क्या हम 35 किलोमीटर खोद के क्या धरती के अंदर जा सके हैं? नहीं जा सके, बिल्कुल नहीं जा सके हैं। तो यहाँ पे जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, वो आपकी साउथ अफ्रीका में है, जो कि केवल 4 किलोमीटर तक ही गहरी है, ठीक है। देखो 4 किलोमीटर कितना ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर NCERT में या फिर किसी भी किताब में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये दे रखा है कि आप अर्थ के सेंटर में, ठीक है, जो अर्थ का जो सेंटर है उसमें आप पहुँच ही नहीं सकते हो, ठीक है, पहुँच ही नहीं सकते। अगर आपको पहुँचना है ना, तो उसके लिए आपको 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदना होगा, ठीक है, 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदना होगा डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। इससे अब देखो हमारा जो इंसान है वो केवल 4 किलोमीटर तक जा सके हैं, तो यहाँ पर हम जा ही नहीं सकते हैं, तो ये असंभव हो जाता है हमारे लिए। और अगर बात करें कि अगर हम ऑयल की बात करें कि हम पेट्रोलियम के लिए सर्च में भी गए, हमारे जो इंजीनियर्स हैं कि जो तेल हो गया, कच्चा तेल हो गया, उसकी सर्च में गए हैं, वो तो समुद्र के अंदर से ही जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे अगर हम बोलें तो वो 6 किलोमीटर खोद चुके हैं, ठीक है, 6 किलोमीटर तक की डक कर चुके हैं, डीपेस्ट माइन है वहाँ से खोद चुके हैं। वैसे अगर क्वेश्चन आए डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है, जिसमें कि 4 किलोमीटर तक ही खोद चुके हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कितनी विचित्र है, उसके बारे में जानना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। लेकिन अभी भी हम साइंटिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं जो उनके लिए, जो हमारे लिए काम करते रहते हैं। चलिए अब विच फोर्सेस होल्ड द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, पृथ्वी का कौन सा बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे क्या पूछा है कि देखो जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है, मतलब कि पर्यावरण होता है, ठीक है। अब ये पर्यावरण होता है, धरती से चिपका रहता है, और ये डेंस भी होता है। अगर हम धरती के पास में जाएंगे, पृथ्वी के पास में रहेंगे, तो यहाँ पर डेंस होता है, और अगर ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये सारा का सारा बहुत ही दूर दूर होता है, रेरिफाइड होता है। अगर आपको उस चैप्टर को देखना है तो जाके आप लोग NCERT का चैप्टर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसका साइंस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ये जो एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, ये कैसे हमारी पृथ्वी से चिपका हुआ है, वो कैसे चिपका हुआ है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो उस बल की वजह से इन सभी पार्टिकल्स को एनवायरनमेंट का जो ब्लैंकेट है उसको अपनी ओर खींचे रखती है, थामे रखती है वायुमंडल को, ठीक है। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या हुआ, वायुमंडल अपनी ओर अट्रैक्शन करके रखती है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है, टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड, पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फेयर, मतलब कि जैव मंडल। चल इसको समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, मतलब कि जल मंडल हो गया, ये हमारा हो गया लिथोस्फेयर मतलब कि स्थल मंडल हो गया, और ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल। अब इन तीनों को मिलाकर जो चीज़ बनेगी बीच की उसको हम बोलेंगे बायोस्फेयर मतलब कि जैव मंडल। जैव मंडल वो जगह है जहाँ पर कि आपके लिए पानी अवेलेबल है, धरती अवेलेबल है, और आपके लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन सारी गैसें अवेलेबल है, तो यहीं पर आपके लिए जीवन संभव है। केवल आपको पानी मिल जाए तो आप नहीं रह सकते, केवल स्थल मिल जाए, पानी ना मिले तो वायु ना मिले तो उसके लिए नहीं रह सकते, और अगर वायु केवल आपके लिए वायु मिले और आपको पानी ना मिले और आपको स्थल ना मिले, रहने के लिए बैठने के लिए जगह ना मिले, तो भी आपका जीवन या किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है या फिर जैव मंडल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि इन तीनों चीज़ें मिलती हैं और तीनों जगह मिलती हैं और लाइफ संभव हो पाती है,
ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, क्या वो नेचुरल हैं, ह्यूमन मेड हैं, ह्यूमन है या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, शॉर्ट में वीडियो अवेलेबल है, मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, जाके आप वीडियो में देख लें। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कौन कौन से, जो कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट देखिए तो तीन तरीके के होते हैं। एक हो गया आपका ह्यूमन मेड, ठीक है, मतलब कि मानव निर्मित हो गया। दूसरा आपका हो गया नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक हो गया। और फिर तीसरा आपका होता है ह्यूमन, मतलब कि जो खुद ह्यूमन है। अगर ह्यूमन मेड का देखें तो हो गया जैसे कि हम लोगों ने ब्रिजेस बना लिए, रोड्स बना लिए, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स बना लिए, इंडस्ट्री बना ली, ये सारा हो गया। और प्राकृतिक वो चीज़ें जो कि हमने खुद नहीं बनाई हैं लेकिन हमें खुद हमारे भगवान जी ने खुद दी हैं, जैसे कि हमारा हो गया एयर, खुद तो नहीं बनाई है, वाटर खुद मिलता है हमें, ठीक है, लैंड मतलब कि जो हमारी ज़मीन है, जैव मंडल, बायोस्फीयर, वो सारा का सारा मिलता है। और बोले ह्यूमन, ह्यूमन मतलब कि जो मानव के द्वारा बनाया हुआ है, जैसे कि रिलीजन, रिलीजन मतलब कि जो धर्म बनाया भगवान ने, हमने खुद बनाया। एजुकेशन हो गया, ठीक है, फैमिली हो गई, ठीक है, कम्युनिटी समुदाय हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमने खुद बनाई, जो हमने खुद जैसे कि हमने धर्म बनाया, कम्युनिटी बनाई। और ह्यूमन मेड का मतलब जो चीज़ें हमने बनाई, जैसे कि रोड बनाया, मॉन्यूमेंट बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए। और नेचुरल का मतलब हो गया जो कि भगवान ने हमें दी, जैसे वाटर हो गया, प्राकृतिक तरीके से हमें मिली, लैंड हो गया, सारा का सारा, ये सारी सारी चीज़ें मिलकर हमें बनाती हैं पर्यावरण के घटक। ठीक है, तो उसका सही एग्जाम्पल आंसर क्या है, वो है ऑल ऑफ द अबव। चलिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करते हैं आपको आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनके तक प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।